एवरेज निकालता कितना है 13.65। हेलो तो दोस्तों, कैसे हो सब? आई होप सब बहुत मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सबको जय श्री राम और प्यारे से गुड मॉर्निंग। जस्ट आपका भाई किधर है भाई, ये चेक करो। पहले तो मेरी गड्डी देख लो भाई, लोडेड है आपका भाई का ट्रक। गन हमारी लोडेड है। तो भाई हम कहाँ हैं? हम हैं भैया मुजफ्फरनगर। भाई मुजफ्फरनगर हम आए कल रात 4 बजे। भाई हमारा सीन कैसा रहा हिमाचल में, हमसे 2 दिन बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्या बात हो गई थी। अभी तो हमारा काम चल रहा है बैटरी की, वो जो आपको बताया था कि टर्मिनल चेंज होगा, प्लस टर्मिनल के साथ साथ क्या चेंज होगा, खुंटी बनेगी। और ये हमारा भाई सुनील भाई नंगा आजकल मजे ले रहा है सुनील भाई ऐसी गाड़ी है। तो मेरी डाल देगा सब, देख हर जगह जा रहे हो समझ गया। गाँव में मेरे लंबे स्मार्ट वो सब देखो, जहाँ मैंने सब कहीं देख रखी। सुनील भाई तुम्हारी बॉडी बनाने का क्या राज है, पहले माइक से बताओ। सुनील भाई देखो हमारी गाड़ी को एकदम टंची बना के रखते हैं, एकदम एसी वाली गाड़ी मिली है भैया को। नई गाड़ी के ड्राइव के मजे ले रहे हैं। नई गाड़ी चला के कैसा फील हो रहा है, अच्छा ये तो बता दो सर। बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो अभी आप ये सफाई क्यों कर रहे हो? सफाई नहीं करनी चाहिए। सफाई नहीं करेंगे तो गंदगी हो जाएगा। अच्छा गंदगी होने। सुनील भाई कहाँ से हो आप? मैं यूपी लखीमपुर खीरी से। देख रहे हो भाई इतनी दूर के ड्राइवर हमारे मुजफ्फरनगर में। पता है कितने साल हो, कितने साल हो गए? 10 साल हो गए हैं। 14 साल हो गए। 14 साल हो गए हमारे भाई का यहीं पर। जब ये छोटे से आए थे बिल्कुल गोरे थे, अब काले हो गए एकदम। मेहनत कर करके देखो कितनी सफाई करते हैं हमारे सुनील भाई। तो भाई मैं आपको बता रहा था भाई कैसे कैसे सीन रहा हमारा हिमाचल। भाई हिमाचल में हमसे 2 दिन बहुत बड़ी गलती हो गई थी भाई, मैं आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में बताऊँ। और भाई हमारी गाड़ी में माल कहाँ का है, आप सोच ही होंगे जैसे कि आपके भाई ने गाड़ी लोड कर लिया, कहाँ का माल होगा? माल है हमारा वापस उड़ीसा का भाई। हाँ अभी ये काम करने के लिए रुके हैं, उसके बाद टंकी फुल होएगी। टंकी फुल होकर हम न्यू रूट पे निकल जाएंगे, एकदम न्यू रूट पे। तो भाई ये चेक भी कराए थे, थोड़े लीकेज मार रहे थे, पर वो बोल रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, लीकेज नहीं है। वो ऐसे ही वो आ जाते, सिलाब भी आ जाती है ऐसे बोल रहे थे। मिस्त्री को दिखाया था, फिर ब्रेक मिला के एकदम ओके कर दिया मैंने गाड़ी। बस वो आना बाकी है, वो जो टर्मिनल बनाएगा हमारी गाड़ी के। भाई मुजफ्फरनगर हमारा आने का यही मतलब बनता है कि भाई हमारे को अपनी गाड़ी का काम कराना होता है। जैसे गाड़ी गंदी हो रही है धुलवाएंगे, धुलवाने के बाद फिर निकलेंगे रोड पे। भाई ने तो धुलवा के एकदम ओके कर रखी गाड़ी, क्योंकि हमारे सुनील भाई सारा काम पहले ही वक्त से पहले ही कर लेते हैं, हमसे पहले आ गए थे। कब निकलोगे भाई तुम? कल को निकलेंगे यार, हमें तो भगा देंगे आज ही। भाई ये बड़े ड्राइवर हैं, इनकी बहुत इज्जत हो रहा था। ये देखो भाई बहुत मेहनती आदमी है, एकदम पंछी मार देगा कभी। मेहनत है भाई, ऐसे काम करना पड़ता है। देखो कितना काम करते हैं, इतनी मेहनत क्यों करते हैं? करते हैं जब भी तो रोटी मिलता है। ए भाई मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे होगा। वाह भाई वाह। तो भाई जैसे कि हमने इंटरव्यू ले लिया, और भाई मैं बता रहा था कि भाई माल हमारा है उड़ीसा का वापिस। और भाई रेट का देखो मुझे पता नहीं है, मैं बता दूंगा तब भी रेट क्या लगी होगी गाड़ी। मालिक के आने के बाद ही बताऊंगा, क्योंकि वही बता सकते हैं कि भाई, क्योंकि पहले जो होता था पहले ड्राइवर को पता लग जाता था, अब पता ही नहीं लगता कुछ भी ड्राइवर को भाई। पर हमसे 2 दिन की बहुत बड़ी मिस्टेक होगी यार, क्या बताऊं मैं उसके बारे में। और भाई हमारा सीन कैसे कैसे रहा देखो, हिमाचल में था मैं ठीक है 2 दिन। उसके बाद भाई हमारा माल हुआ, 1 दिन कंपनी में खड़े रहे, उससे अगले दिन हमारी ट्रक लोड हो गया। आधा ट्रक लोड कर रखा था उन्होंने, आधा फिर अगले दिन किया। अब हमारा काम एकदम ओके है, बस हमें निकलना बाकी है। बस मालिक आ जाए एक बार, हिसाब किताब देंगे और फिर निकलेंगे अपने नए रूट के लिए। और भाई ये चेक करो भाई, काम हमारा स्टार्ट हो चुका है। ये बैटरी पूरा निकाल दिया, ये देखो पूरा कैसा हो रहा था। देखो हमारा टर्मिनल तो पूरा मतलब वो जमी पड़ी थी कार्बन, अभी ये चेंज कर दिया, टर्मिनल नहीं लाया लगा दिया। उस पर थोड़े सेफ्टी भी लगा दी ग्रीस करके, पर ग्रीस नहीं लगाना चाहिए, वैसे नहीं लगानी चाहिए, पर ग्रीस लगा दिया हमने, कोई बात नहीं उससे भी। और ये गर्म पानी है हमारा, अभी देखते हैं कितने टाइम में यहाँ से फ्री होता है और फिर गाड़ी धुलवाएंगे चल के। फाइनली भाई आपका भाई निकल गया सेकंड रूट के लिए, पर उससे पहले हमारा काम होना है, 3-4 काम अभी बाकी हैं। सबसे पहला काम है डीजल टैंक, उसके बाद भाई क्लच की थोड़ी सेटिंग करानी है। टाटा मोटर्स पे पहुंचने वाला हूँ टाटा मोटर, उसके बाद पहले गाड़ी भी धुलवा लेंगे और ग्रीस भी करवाना है। ये काम करा के तब निकलेंगे रूट पे, शाम ही हो जाएगी मेरे को लग रहा। तो भाई ये मुजफ्फरनगर आने का मेन कारण हमारा यही है, हम डायरेक्ट भी जा सकते हैं। डायरेक्ट हम इसलिए नहीं जाते क्योंकि भाई हमारे आगे इतना सारा काम रहता है, आपको पता ही है भाई।
पर ये है कि कल जो कंपनी में हम लोडिंग करने गए ना, वो कंपनी बहुत ही अच्छी और बहुत ही साफ सुथरी कंपनी थी। उसमें हमें नहाने को ही मिल गया, रात के 12 बजे हम नहा भी लिए अच्छे से, सारा काम हमारा वहां से अच्छे से हो गया था, इसलिए आज हमें नहाने धोने को देखना नहीं पड़ा। और ये आगे देखो टाटा मोटर्स है भैया हमारा, इधर हमारी पूल सेटिंग है, पूल सेटिंग जिसे बोलते हैं, हमारे जितने भी घोड़े लगते हैं ना, जितने भी नए घोड़े निकलते हैं हमारे यहीं से निकलते हैं भाई, ठीक है। तो भाई ये अपनी टाटा मोटर से अब चलेंगे सचिन भाई के पास। तो भाई अब यहाँ अपने सचिन भाई रहते हैं, उनसे मिलेंगे, उनको बताएंगे अपनी बात और यूरिया की टंकी कराएंगे फुल और फिर निकलेंगे रोड पे। चलो चलते हैं, चेक करो भाई टाटा मोटर्स में आ गया आपको भाई, ये देखो भाई कितनी खतरनाक एक्सीडेंट हो रखी भाई, गाड़ी बहुत सारी गाड़ी ऐसी लगी पड़ी यहाँ, इतनी गाड़ियाँ देखो कितनी लगी पड़ी, एक्सीडेंटल है सारी गाड़ियाँ, कुछ सही भी है कुछ नए घोड़े भी खड़े हैं, देखो पूरा नया प्योर नया घोड़ा, पर साले सुनते नहीं है, मैं 1 घंटा हो गया इनके पीछे पीछे खड़ा, कोई सुनने को तैयार नहीं, टाटा मोटर्स में कोई किसी की नहीं सुनता भैया, ये बहुत मतलब अलग टाइप की चीज़ है। और भाई वर्क इज कम्प्लीटेड, और भाई ट्राई दे के आए थे वो टाटा वाले भैया गए थे, और ये देखो भाई टाटा मोटर ट्राई हमने ले लिया और अब हम निकल ले, गाड़ी धुलवाएंगे यार पहले, ये देखो पसीना ही हो गया हाथ तुम्हें। भाई वो अब आ रहा गाड़ी चलाने का मजा, पहले ना क्लच में कोई दिक्कत आ रही थी, पता क्या हो रहा था मैं बताता हूँ, जैसे कि आप गाड़ी लेके चल रहे हैं तो ऐसा लग रहा था कि रेस ज्यादा जारी और क्लच उस हिसाब से काम नहीं कर रहा, मतलब रेस ही रेस हो रही थी, एक्सीलेटर जा रहा, अब गाड़ी बढ़िया चल रही, अब मजा आया गाड़ी चलाने में भाई, दिक्कत होती है ना भयंकर, एवरेज भी तोड़ती है, अगर क्लच प्लेट में कोई दिक्कत होगी ना तो ट्रक आपका एवरेज नहीं देने का अच्छे से। रिलायंस पेट्रोल पंप भाई, 2-3 प्लान कैंसिल कर दिए, 2-3 प्लान सर, प्लान कौन कौन से कैंसिल किए भाई, एक तो गाड़ी को नहलाना था वो कैंसिल किया, ग्रीसिंग कैंसिल की, आज ही थोड़ा सफ़र काट लेंगे फिर कल को सुबह सुबह करवा देंगे सब काम, कल को सुबह ही होगा भाई, अब कोई काम नहीं हो सकता वरना लेट हो जाएंगे यार, रोटी भी नहीं खाई और टाइम हो गया 3:30 से ऊपर, हमारा सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया जो हम काम करा देते, मतलब समझ रहे हो क्लच प्लेट का काम करा दे, क्लच में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 1 घंटा उन्होंने खड़े खड़े खराब कर दिया, और ये 29,000 का तेल तो आ गया 330 लीटर, और कंप्लीट भाई 29,900 में भैया हमारा डीजल टैंक फुल हो गया था, और अब भाई एवरेज निकालते हैं कितना है, 1365 डिवाइड बाई 507 लीटर तेल, 270 का एवरेज दिया भाई गाड़ी ने, बहुत कम एवरेज दिया भाई, बहुत कम 270 भाई। अब करेंगे मीटर को न्यूट्रल, और ये भाई न्यूट्रल कर देते हैं पूरा, देखेंगे भाई एवरेज क्या देने वाली है इस बार भाई पूरी सर्विस करा के ले आऊंगा गाड़ी की, मतलब जो भी लगती है ना, जैसे कि भाई ग्रीस व्रीस फिल्टर सब साफ करवा दूंगा आगे खड़ी करके कहीं, और फिर एवरेज का असली पता लगेगा। चलो भाई रूट
रूट के लिए हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। हूं गड्डी जाएगी छलांगा मार देवी, रेडी फॉर ऑपरेशन तिरंगा, लेट्स गो। इस बार गाड़ी का एवरेज क्या होना चाहिए दोस्तों बताओ? इस बार हार्ड चैलेंज करते हैं अपने आपको भाई, गाड़ी चलाएंगे आराम से, कोई भी गलत गेयर नहीं देने के, बस एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज। तीन दिन से ब्लॉग नहीं आ रहे, अब ना ब्लॉग ना दोस्तों कभी कभी आया करेंगे, मतलब ऐसे ही दो मतलब सात दिन में तीन ब्लॉग या चार ब्लॉग इतने ही कोशिश करा करेंगे, क्योंकि भाई गाड़ी भी उससे गाड़ी को भी आराम मिलेगा, हमको भी आराम मिलेगा और आपको भी आराम मिलेगा। अब डे बाय डे ब्लॉग डालोगे आप भी बोर हो जाओगे, हम भी। कहाँ लगा दी भाई ने गड्डी? और भैया ये तो आपके पता भी नहीं रास्ते बंद है कि नहीं है, आपको क्या लगता है? भाई एक घंटे की ड्राइव करके भाई आपको भाई रुका था भाई बिजनौर में, टायर वायर चेक कर रहे थे भाई, टायर वायर चेक कर रहे क्या कर रहे थे भाई, प्रदूषण खत्म हो गया था हमारी गाड़ी का, 10,000 का चलान है प्रदूषण खत्म होने में। कितने का? 10,000 का। तो भाई प्रदूषण बनाने के लिए रुके थे, वो सामने दुकान मिल गई थी। पहले तो मैं डर रहा था बिजनौर में होती है चेकिंग, मेरे को लगा चलान ही भरना पड़ेगा, पर किस्मत होती है तो बढ़िया, तो कोई मिलता ना फिर बढ़िया हो गया भाई। अभी रोड भी खुल गई, चलते हैं, बस चलते रहेंगे आज, जहाँ लो चला जाएगा चलेंगे और फिर रोक लेंगे। बस गाड़ी गंदी हो रही यार, कल ही धुलवाऊंगा। और ये चेक करो भाई, ये प्रदूषण बन के हो गया आपके भाई का रेडी, और अब निकलने की फिर से चलते ही रहते हैं भाई, आज काफी लंबा सफर काट लेंगे भगवान की दुआ रही तो। भाई चलान हो जाता है यार इन चीजों का, 10,000 रुपए का चलान है भाई ये चीजों का, 100 रुपए का बनता है बताओ। ना नहीं दिए पैसे, दे पैसे दे जल्दी। भाई गाड़ी लेके निकल गया भाई आपका, प्रदूषण हमने बनवा दिया, दो काम हमारे कंप्लीट हो गए। पहला हमने क्लच का काम करवा दिया, सेकंड हम ये प्रदूषण बनवा दिया, और थोड़े बहुत काम और आज करवाया था, बैटरी भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा काम क्या क्या रह गया? अब हमारा सिर्फ गाड़ी धुलवाने का काम रह गया और ग्रीस प्लस फिल्टर, तीन काम रह गए। ये तीन काम भी करवा देंगे जल्दी, कल तक करवा ही देंगे यार। और भाई जैसे कि शाम हो गई है, देखो शाम कैसी हो रही है, एक तो रास्ते खुल गए ना, बहुत बड़ी संकट से बाहर आ गए। रास्ते बंद होते तो पता नहीं कहाँ कहाँ को घूम घूम के निकलना पड़ता, कभी धामपुर जाना पड़ता, कभी मुरादाबाद, धामपुर से जितना बरेली निकलना पड़ता, पर अब की बार वही रास्ता बंद है दोस्तों। पर इस बार यार एवरेज भी निकालना है, अभी गाड़ी 2.8 का एवरेज दे रही, घंटे बहुत है यार, एवरेज तोड़ देती है गाड़ी। भाई हो गया शाम, सबको प्यारे से गुड इवनिंग, जय श्री राम। भाई आपका निकल गया भाई, नूरपुर पहुंच गया हूं मैं। तो भाई आज का ब्लॉग हम यही एंड करेंगे, कल को आएगा अपना भैया 1,00,000 किलोमीटर में कितना डीजल पी गया, क्या MRP प्लस दो बिग मिस्टेक। तो भाई कल को मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाकी आज का ब्लॉग बताना भाई कैसा लगा आपको। और भाई अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और भाई बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, मजा आम दो एकदम। बाकी भाई कोशिश रहती है भाई बढ़िया ब्लॉग बनाने की, डेली ब्लॉग बनाने की। तो ठीक है भाई, गुड नाइट, टेक केयर, रोज लो मौज लो, नई मजे लो खोज लो, गड्डी आएगी सड्डी उन छलांगा मार दी।